हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड रिलीज ऑथराइजेशन फॉर्म बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि इसका हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़, इस फॉर्म में अमेंडमेंट्स कम कीजिएगा क्योंकि ये असेसर्स के थ्रू एक्सेप्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं, ये एक तरीके का कंसेंट होता है जिसमें मेडिकल प्रोवाइडर्स जो हैं वो पेशेंट से परमिशन लेते हैं ताकि वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी को दे सकें, ठीक है। या आप अगर अपने हॉस्पिटल के अंदर ही किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी पेशेंट की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। इसमें बाकायदा पेशेंट सिग्नेचर करता है, ठीक है। अगर पेशेंट माइनर है तो, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या कोई लिख या पढ़ नहीं सकता है, इस केस में क्या होता है कि उनके जो लोकल गार्जियन होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे वो उनकी जगह पे साइन कर सकते हैं, ये लीगल है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं।
उम्मीद करती हूँ जो भी स्टेप्स मैंने इस फॉर्म में बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और अगर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।